नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केएन मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं, इसलिए जिन प्रश्नों में बहुत आवश्यक होता है केवल उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या देते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि वो सारी सीरीज यूपी पुलिस परीक्षा री एग्जाम के हिसाब से डिजाइन की गई है। उसमें ऐसे प्रश्नों को ही शामिल किया गया है जिनके यूपी पुलिस री एग्जाम में आने की संभावना 100% है लगभग। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए, इन सारी वीडियो को देख लीजिए, पुरानी वाली, ठीक है ना। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? क्या है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए है 1987 में, ऑप्शन बी है 1992 में, ऑप्शन सी है 1995 में और ऑप्शन डी है 1998 में। तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। देखिए, आप भी अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, इससे जो है आपका भी मूल्यांकन हो जाएगा कि आप इस समय आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। देखिए, इसकी व्याख्या है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1992 में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 1992 में। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ह्यूमस उदाहरण है, ह्यूमस किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है मृदा संरचना का, ऑप्शन बी है क्रिस्टलाइट का, ऑप्शन सी है जैविक कोलाइड का और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। तो देखिए, ह्यूमस जो होता है वो जैविक कोलाइड का उदाहरण होता है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है, ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण होता है ना। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ह्यूमस जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? किसका? ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, उनका जन्म पूछ रहा है किस शहर में हुआ था। तो ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो गिरिजा देवी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? देखिए, वाराणसी में हुआ था। बी ऑप्शन सही है, वाराणसी में गिरिजा देवी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठीक है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो है संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से था, तो संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। इन्हें पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। ठीक है ना, संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1977 से सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है ना, इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी 1977 में मिला था। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है मुंबई। तो बताइए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत चर्चित संस्था है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। डी ऑप्शन सही है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं, उसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में 1980 से 85 के दौरान जुलाई 1982 में, कब? जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय, अब देखिए, अगर ये पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान है हुई थी, तो ये है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर सन पूछता है तो जुलाई 1982 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है?
तो ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है आवृत्ति से, ऑप्शन बी है आयाम से, ऑप्शन सी है वेग से और ऑप्शन डी है तरंगदैर्ध्य से। तो ध्वनि की प्रबलता किससे मापते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयाम से। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? आयाम से मापी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। अब देखिए व्याख्या है इसकी, ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता, प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। वास्तव में प्रबलता ध्वनि के लिए, वास्तव में क्या प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। वास्तव में प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ, आपको ये बताना है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है चोल एवं उत्तरी चालुक्यों के मध्य, ऑप्शन बी है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी है चोल एवं होयसल के मध्य और ऑप्शन डी है चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो दक्षिण भारत का जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो किनके बीच में हुआ था? तो देखिए इसमें सही है बी ऑप्शन, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है ना, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने, देखिए पहले परांतक प्रथम ये चोल शासक था, इसके दिनों में अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगो या बुत्तुक सेकंड की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, क्या किया? तंजौर पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजायुम कोड की उपाधि धारण की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्ण तृतीय ने तंजायुम कोड की उपाधि भी धारण की थी इसके लिए। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए सातवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ये बताना है आपको कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1956 में। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1948 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, 1948 में की गई थी। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात, कब स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखिएगा उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम औद्योगिक नीति लाने वाले, स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति लाने वाले उद्योग मंत्री कौन थे उस समय, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, मुखर्जी जी थे। तो 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। ठीक है, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, आपको बताना है वह राज्य जिसमें 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वे हैं। आपको ऐसे राज्य बताना है जहां महिला साक्षरता दर एक में उच्चतम है एक में न्यूनतम है। तो ऑप्शन ए है केरल और बिहार, ऑप्शन बी है केरल और झारखंड, ऑप्शन सी है केरल और राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल और उत्तर प्रदेश। तो बताइए कहां महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम है? तो वो हो जाएगा, बताइए जल्दी कमेंट करके, वो हो जाएगा ऑप्शन ए केरल और बिहार में महिला साक्षरता दर केरल में उच्चतम बिहार में न्यूनतम है। ठीक है ना, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम एवं न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से? केरल और बिहार है। ठीक है ना, नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है मेरठ में, ऑप्शन सी अयोध्या में, ऑप्शन डी है मथुरा में। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये है मथुरा में। ठीक है ना, मथुरा में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रदेश में
अपनी तरह का पहला तथा देश में चौथा संस्थान है, ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रदेश में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा स्थान रखता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है गुगा वन राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है इसमें से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो चलिए बताइए तेजी से। देखिए अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह है कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह झारखंड में है, ठीक है ना। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, खोज लीजिए, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। देखिए अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सही है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यही पूछा था, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में स्थित है। इनका मिलान करने को आता है, इन्हें आप तैयार रखिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिले। हम ऐसे ही कम से कम समय में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आते हैं और कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, जिसका उद्देश्य है कि प्री परीक्षा के हिसाब से जिसमें उत्तर सामने दिया रहता है, आप कोई गलतियां न करें, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न दोहरा के उन प्रश्नों को सही कर लें, ठीक है। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर इन सारे प्रश्नों की एज इट इज पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रश्न अभी तक हमने कराए हैं, ऐसे ही प्रश्न हमारे साथ आगे भी बने रहिए, उपलब्ध है इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है, सिलिकासिस से एक है क्या है। ऑप्शन ए है गुर्दा संबंधित बीमारी, ऑप्शन बी है यकृत संबंधित बीमारी, ऑप्शन सी है फेफड़े संबंधित बीमारी, ऑप्शन डी है अव्यवस्थित तंत्रिका। तो क्या है सिलिकासिस, सिलिकासिस है, देखिए फेफड़े संबंधित बीमारी है सिलिकासिस, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, सिलिकासिस फेफड़े संबंधित बीमारी है। देखिए सिलिकासिस क्या होता है, सिलिकासिस फेफड़ा संबंधी रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका जो है श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिकासिस फेफड़ा संबंधी रोग है, धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपको बताना है कहाँ स्थित है। 12वां प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन ए है त्रिचि में, ऑप्शन बी है भुसावल में, ऑप्शन सी है पुणे में और ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो आप बताइए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है त्रिचि तमिलनाडु में है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिचि तमिलनाडु में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिचि त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिचि त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, आपको बताना है कि किसके हृदय में तीन चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है स्तनधारियों में, ऑप्शन बी है पक्षियों में, ऑप्शन सी है उभयचरों में और ऑप्शन डी है मछलियों में। तो बताइए किसके हृदय में तीन चैम्बर होते हैं, भाई दिल के टुकड़े हजार, तो किसके में तीन किसके में चार, ये बताना है आपको। तो देखिए स्तनधारियों में, पक्षियों में और उभयचरों में, देखिए तीन चैम्बर वाले ये सी ऑप्शन है, तीन चैम्बर वाले जो होते हैं वो उभयचरों में तीन चैम्बर वाले हृदय होते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है, उभयचरों में तीन चैम्बर वाले हृदय होते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए उभयचरों में, इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए उभयचरों में जो है वो क्या होता है, वो हृदय त्रिवेश्मी या त्रिकोष्ठी थ्री चैम्बर्ड होता है। अब देखिए उभयचरों में तीन चैम्बर, पक्षी एवं स्तनधारियों में चार चैम्बर चौवेश्मी होता है, चार चैम्बर होता है। मछलियों में क्या होता है, द्विकक्षी होता है, ठीक है, जिसमें केवल अशुद्ध रक्त आता है जो शुद्धिकरण के लिए
क्लोमो में जाकर वहां से सीधे विभिन्न अंगों में चला जाता है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वृक्ष है जो भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है सागौन, ऑप्शन बी है ओक, ऑप्शन सी है चेस्टनट और ऑप्शन डी है जैतून। तो इसमें से कौन सा वृक्ष है जो भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, जैतून हो गया, ये तीनों भूमध्य सागरी वनों में पाए जाते हैं, लेकिन सागौन जो है ये भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन या सागवान कहते हैं, नीम और शीशम प्रमुख है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो होते हैं वो फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जबकि अंजीर जो होता है, अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर और संतरा, देखिए ये चार याद रखिएगा, अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसी से आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये भूमध्य सागरी क्षेत्र के हैं। अंगूर एवं संतरा जैसे जो नींबू वंशी होते हैं, सिट्रस के वृक्ष, वो भूमध्य सागरी वनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार सागौन जो है भूमध्य सागरी वनों का वृक्ष नहीं है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है। देखिए, इसने जो है अपने डाटा में सुख को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, वही राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन करता है। सुख का डाटा जितना ज्यादा होगा राष्ट्र उतनी प्रगति करता है, ऐसा कौन सा देश है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान जो है सकल राष्ट्रीय सुख को जो है अपने ग्रोथ का मुख्य वो मानता है, प्रगति का सूचक मानता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही है। देखिए, भूटान नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक की पहल पर वर्ष 1972 में कब, देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए, भूटान नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक की पहल पर वर्ष 1972 में भूटान ने जो है राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना, ठीक है ना। वर्तमान में खुशी सूचकांक को मापने के लिए तीन तत्वों को शामिल करते हैं। बताइए खुशी सूचकांक मापते कैसे हैं कि आप बहुत खुश हैं। एक, जीवन संतुष्टि होनी चाहिए, दूसरा संभावित आयु कितनी है, और तीसरा पर्यावरण। इन तीनों को मिला के इनको जो है खुशी का सूचकांक मिल जाता है, ठीक। तो ये सही है, तीनों को एक सूत्र में डालकर खुशी का सूचकांक तैयार किया जाता है। तो भूटान है। 16वां प्रश्न, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1902 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो बताइए, इंडियन होम रूल सोसाइटी, आप याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1901 में, ऑप्शन सी 1902 में और ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसने की थी, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 में की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट रखिएगा, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये प्रश्न इंडिया हाउस के नाम से भी पूछ लेता है, ठीक है ना। यहां से जो है एक समाचार पत्र भी निकलता था, जिसे क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। यहां से जो समाचार पत्र निकलता था उसे क्या कहते थे, सोशियोलॉजिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है, काष्ठ नकाशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। क्या है, काष्ठ नकाशी घरेलू उद्योग, ठीक है ना। काष्ठ नकाशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है कानपुर। तो काष्ठ नकाशी उद्योग किसके लिए है, तो ऑप्शन बी सही है, सहारनपुर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर नगर है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर काष्ठ नकाशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, क्या है, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, यूपीएस स्पेशल का प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
ये बताना आपको किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है अंतरराज्य परिषद 1990, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ऑप्शन सी है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो इसमें से क्या सुमेल नहीं है, आप देखिए बताते हैं। देखिए अंतरराज्य परिषद 1990 सही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ये भी सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी ये भी सही है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 नहीं बल्कि अगस्त 1952 है। कब है? अगस्त 1952 है। तो यही बी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वास्तविक मिलान देखते हैं। देखिए वही हमने बताया अभी आपको, अंतरराज्य परिषद जो है 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? अब आप बताइए सुभाष बाबू ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन बी है 22 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन सी है 23 अक्टूबर 1943 को और ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर 1943 को। तो इसमें कौन सी है तिथि जिसमें सुभाष बाबू ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो वो तिथि है, ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर 1943 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में, कहा जगह का नाम याद रखिए, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद दिवस, ठीक है ना। 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई थी? आपको बताना है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली एवं बंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई एवं कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई एवं दिल्ली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किन नगर युग्मों में थी, सर्वाधिक जनसंख्या किन नगर युग्मों में थी? तो वो थी मुंबई एवं दिल्ली में, डी ऑप्शन सही है, मुंबई एवं दिल्ली में उस समय सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आपको हमारी ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे इन सभी पेपर्स जितने कराए गए हैं उनकी पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी इस श्रृंखला के साथ आप बने रहिए। हमारी इस श्रृंखला में कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि प्री परीक्षा में डायरेक्ट हिट वाले क्वेश्चन जो आते हैं एक भी प्रश्न आपके गलत ना होने पाए, ठीक है। तो उन प्रश्नों को आप तेजी से करते हुए आगे निकल जाएं। हमारी पूर्व की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो सारी वीडियो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही हिंदी का भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, इनमें सभी ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जिनके यूपी पुलिस एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है, ठीक है। तो इसमें कोई अनर्गल बात नहीं है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। आप चाहेंगे तो एक घंटे में 5 से 6 वीडियो निपटा सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।